मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पति भवन में एक प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि उज्जैन से पूरे प्रदेश के कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। प्रदेश आज भी बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है। हम भी बेहतर स्थिति में हैं। पहले स्थिति बिगड़ी थी, परंतु अब हम कंट्रोल में हैं। इसमें जनता जनार्दन व कोरोना योद्धाओं का योगदान है। ग्वालियर अंचल में बड़ी तेजी से पॉजिटिव कोरोना बढ़ रहे थे, जो चिंता का विषय है। अब आने वाले समय में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। मुरैना और भिंड में भी अब स्थिति ठीक है। घर घर सर्वे हुआ है, उसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ी है। गुना में दलित की पिटाई के मामले में शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आधार बनाया है। हमने तत्काल कार्रवाई की। एसपी, कलेक्टर व संबंधित पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए। हमने इन सब को हटाया और उस परिवार को हम राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस व कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ, हमने तो कार्रवाई की, वह जवाब दे। जब 14 जनवरी को उनकी सरकार थी, तब प्रदेश में सागर में अनुसूचित जाति के धर्मप्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी। घटना को दबाया जा रहा था। जब बीजेपी ने व्यापक पैमाने पर मामला उठाया, तब भी सरकार नहीं चेती। केवल एक ही घटना नहीं है, शिवपुरी में भी अनुसूचित जाति के दो बच्चों को शौच जाने बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया। तब उन अबोध बच्चों की चीखें ना तो कमलनाथ को दिखाई दी, ना कांग्रेस में दिखाई दी। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, तब भी कमलनाथ सरकार जागी नहीं। राजगढ़ जिले में दलित बेटी के रेप का विरोध करने पर जिंदा चला दिया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार भी कमलनाथ जी को इसका जवाब भी देना होगा। खुद उनके जिला छिंदवाड़ा में एक अनुसूचित जाति आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ, 7 दिन तक उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद छत विछत शव मिला, लेकिन वहां की बेटी का दर्द कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस व कमलनाथ किस कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, हमने तो कार्रवाई की। धार में सरेआम किसानों को मार दिया गया, तब भी सरकार खड़ी खड़ी देखती रही। इनको खुद अपने गिरबान में देखना चाहिए। इसके बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उज्जैन खराब स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति में आया, उज्जैन सतर्क है, उज्जैन ने बेहतर काम किया है, उस बेहतर काम के जो अनुभव है उसे प्रदेश में अपनाए जाएंगे। नेपा नगर विधायक के भाजपा में आने की अटकलों पर कहा कि कांग्रेस के विधायक नेताओं का साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है, उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का विश्वास नहीं रहा। कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अभी तक हमारी नेपा नगर विधायक से कोई चर्चा नहीं है। शिवराज ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर काम हुआ है, उसकी व्यापक सराहना हुई है। एक स्थिति ऐसी थी जब लग रहा था कि इंदौर बिल्कुल हाथ से निकल गया है, उज्जैन हाथ से निकल गया है, अब मध्य प्रदेश ने अपनी की स्थिति सुधार ली है। मैं दो तीन चीजें अपनी तरफ से कह दूँ, इसके बाद क्या मुझे 6 बजे टेक ऑफ करना पड़ेगा मुझे, तो अभी मैंने यहीं से पूरे मध्य प्रदेश के कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। मैं कहीं भी रहूं, मैक्सिमम तो चूंकि इस समय भोपाल में रहना पड़ा मुझे कोरोना की स्थिति के कारण, और लगभग 325 घंटे 3.25 महीने में मैंने कोरोना की समीक्षा की है लगातार। आज भी मध्य प्रदेश में देश में 34,946 पॉजिटिव प्रकरण आए हैं कल तक के, मध्य प्रदेश में 703 आए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आज मध्य प्रदेश अभी भी बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है पॉजिटिव केसेस में। कुल मिला के कंपेरेटिवली हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। उज्जैन ने एक बार स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन अब काफी कंट्रोल किया है। उसमें आप सब लोगों का, जनता जनार्दन का, जनप्रतिनिधियों का, कोरोना योद्धाओं का जबरदस्त योगदान है। हमारी थोड़ी सी चिंताएं थी, लेकिन मुझे आज थोड़ा समाधान हो रहा है, क्योंकि विशेषकर ग्वालियर अंचल में बड़ी तेजी से पॉजिटिव केसेस बढ़े थे। आज भी ग्वालियर में 162 आए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब आने वाले समय में स्थिति सुधरने की पूरी उम्मीद है। लेकिन पहले जहाँ ज्यादा किए सारे तो मुरैना, वहाँ संख्या नियंत्रित हुई है।
और भिंड में भी अब संख्या नियंत्रित हुई है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे उस स्थिति को हम नियंत्रित करेंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि अनलॉक के कारण बड़ी संख्या में लोग निकले, उससे पॉजिटिव केसेस काफी बढ़े और स्टिल कोरोना अभियान के दौरान भी लगभग 2000 पॉजिटिव केस जो घर घर सर्वे हुआ है उसके कारण निकली है, इसलिए संख्या बढ़ी है। लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। एक विषय और मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता था, उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अभी कल से कांग्रेस के मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गुना की आधार बनाकर कई तरह के आरोप लगाए। हमने तत्काल कार्रवाई की, एसपी, कलेक्टर, आईजी, संबंधित पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, इन सबको हटाया और उस परिवार को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जांच घटना की हो रही है, वो जमीन सरकारी है और कोई एक अलग पार्टी ने उस पर कब्जा कर रखा था, मॉडल स्कूल बनना था, वो घटना हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरी घटना की तह में हम जा रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं, हमने तो कार्रवाई की, वो जवाब दे 14 जनवरी जब उनकी सरकार थी, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी, घटना को दबाने की कोशिश की इनने। जब भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर मामला उठाया तब भी सरकार जगी नहीं। केवल एक घटना नहीं है, शिवपुरी में अनुसूचित जाति के दो बच्चों को सोच जाने पर निर्ममता पूर्वक पीट पीट कर मार दिया गया था, पीट पीट कर मार दिया। तब उन अबोध बच्चों की चीखें ना तो कमलनाथ को दिखाई दी, ना कांग्रेस को दिखाई दी, उस मामले में भी सुनवाई नहीं की। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तब भी कमलनाथ सरकार जगी नहीं। अलीराजपुर में पानी मांगने पर अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सरेआम पेशाब पिलाई गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय भी नहीं जगी। राजगढ़ जिले में दलित बेटी को रेप का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। खुद उनके जिले छिंदवाड़ा में एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ, 7 दिन तक उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद क्षत विक्षत उसकी लाश जंगल में पाई गई, लेकिन वहां की बेटी को, बेटी का दर्द कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। किस कानून और व्यवस्था की बात कांग्रेस के मित्र करते हैं, हमने तो कार्रवाई की, धार में किसान की सरेआम मॉब लिंचिंग हुई, सड़क पर पत्थर और लाठियों से कुचल कुचल कर किसानों को मार दिया गया, तब ये सरकार खड़ी खड़ी देखती रही। हमने तो तत्काल कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, दोषियों को बख्शा नहीं, लेकिन आज ये हमसे सवाल पूछते हैं, उनको खुद अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए। कोई कोई भी कुछ नहीं, अनलॉक भी हुआ था, तब तक उज्जैन की पहले एक जो है उज्जैन में जो बनी थी कि लोग यहाँ पर सुकून हो गई थी कोरोना संक्रमण, तो उज्जैन के मॉडल का प्रदेश में लागू किया जाएगा। मैंने मैंने फिर कहा कि उज्जैन ने खराब स्थिति से, उज्जैन बहुत अच्छी स्थिति में आया, अब अकेला उज्जैन का मामला नहीं, क्योंकि अनलॉक इसलिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं और बाहर से अगर कोई संक्रमित आता है तो कोरोना कैसे फैलता है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उज्जैन सतर्क है और उज्जैन ने बेहतर काम किया है, उस बेहतर काम के जो अनुभव है उसका लाभ जरूर हम उसी जगह।
अब मुझे तो आश्चर्य लगता है, कांग्रेस को सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया क्यों क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है, उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का भी विश्वास नहीं रहा, जन विश्वास खो दिया है। और एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। अब अभी तक हमारा उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता क्या हुआ। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस में टूट हुई, कांग्रेस से नाराज होके, और उन्होंने साफ कहा, बहुत पुरानी बात होगी, ज्योतिरादित्य जी ने साफ कहा, वादे पूरे नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, और जब बात की तो कहा सड़कों पे आ जाओ। अभी उनका अंदरूनी मामला था, उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस अल्पमत में आ गई विधानसभा में, हमने सरकार बना दी, हमारा क्या लेने देने, उनका घर वो नहीं संभाल पाए, और वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके मित्रों से कहते हैं सड़क पर उतरे आओ। तो लोग अगर छोड़ के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त का है। मैंने कहा कि आपसे मुझे पता चला है, अभी मैं कुछ नहीं कहता। कोरोना की जो डेथ हो रही है और जो उसका आंकड़े हैं पॉजिटिव आई है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। और मध्यप्रदेश के बारे में कहा जाता है कि मध्यप्रदेश सभी की पारदर्शिता रखने में उतना शायद इतना ऊपर नंबर पर नहीं है। WHO ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर पूरा प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेके जो काम हुआ है उसकी व्यापक सराहना हुई है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी थी, इंदौर ऐसा लग रहा था बिल्कुल हाथ से निकल गया, उज्जैन बिल्कुल हाथ से निकल गया। आप कंपेरेटिवली दुनिया देखें, आप देश के बाकी बड़े शहर देखें, स्थिति बिगड़ती रही, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपनी स्थिति संभाली। ये ढोंग करने से क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता। महाकाल मंदिर उससे पवित्रतम स्थान क्या हो सकता है, अब वहां शुद्धिकरण का ढोंग करेंगे तो जनता हंसेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद।